मैं हूं डॉक्टर खुशबू। आज मैं बताऊंगी बच्चों को होने वाली बहुत गंभीर बीमारी टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड एक जानलेवा संक्रमण है। यह उन जगहों पर होता है जहां साफ पानी और स्वच्छता की कमी होती है। टाइफॉइड ऐसे भोजन या पानी के सेवन से फैलता है जिसमें हानिकारक जीवाणु होते हैं। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो जान भी जा सकती है। सबसे पहले बात टाइफॉइड के लक्षणों की। अगर आपके बच्चे को लंबे समय तक तेज बुखार हो, थकान रहती हो, सर दर्द हो, जी मचलता हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो या कब्ज या दस्त हो, तो हो सकता है कि उसे टाइफॉइड हो। अगर ये लक्षण दिखाई दें तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। टाइफॉइड का इलाज दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन इलाज के दौरान चार बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली, डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरे कोर्स के लिए जो भी दवाइयां दी जाएं वो सारी लें। दूसरी, शौचालय का उपयोग करने के बाद, खाने से पहले और खाना बनाने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोएं। तीसरी, दूसरों के साथ खाना व बर्तनों को ना बांटें। चौथी, बाद में टाइफॉइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं या नहीं इसकी जांच करवाएं। बचाव हमेशा उपचार से अच्छा होता है, इसलिए बच्चे को टाइफॉइड व दूसरी बीमारियों से बचाने वाले टीके जरूर लगवाएं। डॉक्टर, आशा या ANM जो जो टीकों को लगाने के लिए कहें, बच्चों को वो सारे टीके जरूर लगवाएं। एक भी टीका न छूटे। इसके अलावा साफ सफाई और स्वच्छता के लिए ये तीन चीजें जरूर करें। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना, साफ पानी पीना और अच्छे से पका हुआ खाना खाना। ज्यादा जानकारी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर से सलाह लें।